आप देख रहे हैं मेस्सी 5900 ट्रैक्टर को किस तरह तैयार किया गया है सिंगल एरो कंपटीशन के लिए। आप देख सकते हैं रेडियल टायर है 16 9 के, 16 9 2.5 के रेडियल टायर है पीछे वाले दे। अलग से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे टर्बो की एडजस्टमेंट की गई है और टर्बो की एडजस्टमेंट के साथ साथ एयर कैलेंडर के डबल हवा के लिए अलग से दिया गया, दो जन ऐसे एयर कैलेंडर यूज़ किया गया, एक यहाँ से आप देख सकते हैं और एक इस साइड से रेडिएटर के आगे से। साइलेंसर गर्म होने के बाद किसी का ड्राइवर वगैरह किसी का हाथ ना लगे, अलग से इस पर जाली वगैरह दी गई है। और रेडिएटर के आगे के अलग से वाटर कूलर अलग से लगाया गया है और आप देख सकते हैं कि अलग से एडजस्ट फैन अलग से लगाया गया है। आगे एक्स्ट्रा वेट टांगा गया है, हैवी ड्यूटी बम्पर के साथ भी वेट है। ट्रैक्टर के इंजन को पूरी तरह से कवर किया गया है ताकि ट्रैक्टर के गर्म होने पर हवा वगैरह सीधी इंजन के ऊपर से होती हुई चले जाए, ठंडी हवा और कोई अलग से आवाज़ आना यूज़ हो कहीं पे। पिछले टायरों पर एक्स्ट्रा वेट दिया गया है और पीछे तो आप देख ही सकते हैं कि पीछे तो वेट की भरमार की गई है, बहुत सारी एक्स्ट्रा प्लेटें वगैरह बम्पर वगैरह और एक अलग से हैवी ड्यूटी आप चेसी टाइप आप देख सकते हैं अलग से दिया गया है। ये आप देख सकते हैं जितना नीचे वेट जो गिरा रखा है ये सभी वेट इसी ट्रैक्टर के ऊपर सेट किया जाना अभी बाकी है। परफॉर्मेंस देखते हैं ट्रैक्टर का कैसा रहेगा। प्लेटें देख सकते हैं आप कितनी हैवी ड्यूटी प्लेटें लगाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेटें लगाई गई हैं। एक्स्ट्रा प्लेटें भी मतलब मुर्गाडो के बीच में भी एक्स्ट्रा प्लेटें रखी गई हैं, ऊपर भी चार पाँच प्लेटें रखी गई है, इधर भी चक्की का वेट है, इधर भी लगाई गई है एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी प्लेट लगाई गई है। वेट कम से कम 50 क्विंटल के आसपास वेट होगा ट्रैक्टर में, 50 क्विंटल के आसपास ट्रैक्टर के अंदर वेट रखा गया है। ट्रैक्टर में पिछले टायरों में भी एक्स्ट्रा 3-3 हैवी ड्यूटी वेट प्लेटें हैं। और एक चीज़ सबसे अलग जो मैं आपको इसे ट्रैक्टर के अंदर दिखाना चाहूँगा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे 60-55 हज़ार में आयलो के अलावा एक घोड़ा गियर भी इसको बोलते हैं, उसी टाइप का इसमें भी एक अलग से चाल के लिए आप देख सकते हैं गियर बॉक्स के अंदर 3 लीवर दिए गए हैं। ये मेन लीवर है इस ट्रैक्टर का, ये आइलो का लीवर है, ये इसके अलावा ये भी आइलो का लीवर भैया, ये भी एक डबल आइलो के इसके अंदर 2 लीवर दिए गए हैं। इधर से हम इसका मेन फॉरवर्ड और रिवर्स गियर है, और ये इधर देखेंगे आप 2 बार जैसे 60-55 वगैरह में घोड़ा गियर आता है, उसके अलावा इसमें डबल आइलो गियर दिए गए हैं। ये इधर इसके आप मीटर वगैरह देख सकते हैं, टेम्परेचर मीटर RPM मीटर जो इसके अंदर लगाए गए हैं, ये हाइड्रोजन वगैरह के लिए, यह हाइड्रोजन मीटर इसके अंदर अलग से दिया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ही है ना इसमें, यह पानी है, पानी है एक्स्ट्रा जो है वाटर टैंक इसके ऊपर लगाया गया ताकि ट्रैक्टर गर्म ना हो। ये आप देख रहे हैं मेस्सी 5900, ये मेस्सी ग्रुप का ये ट्रैक्टर आया हुआ है। देखते हैं ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इसके अंदर आप लोगों ने देखा ही है अलग से एक बार जो अलग खासियत थी इसके अंदर बनाई गई है वो मैं आपको दोबारा फिर से दिखा सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्बो जो है इस तरह से एडजस्ट की गई है कि एयर कैलेंडर की डबल हवा इसके अंदर जाती है, एक इस साइड से ये जो ढक रखा है भाई ने, एक यहाँ से और एक इधर से एयर कैलेंडर रेडिएटर के आगे से इसके अंदर एयर कैलेंडर की आवाज़ आएगी और इधर से इसके अंदर फिर साइलेंसर के अंदर से धुआं निकलेगा। और एक आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एडजस्टमेंट की गई है वो एक एक्स्ट्रा पाइप और जो टर्बो टाइप है वो आप अलग से देख सकते हैं इसके अंदर से, मतलब जो है सॉरी रेडिएटर में इसको बोल रहा था, इसके अंदर से आप देखेंगे कि कूलेंट जो इसके अंदर से ठंडी हवा जो इसके अंदर रेडिएटर के अंदर से घूम के जा रही है, ये सारा रेडिएटर का जुगाड़ जो इसके अंदर से है ठंडी हवा देने के लिए बनाया गया दोनों साइड से, एक साइड से गर्म इसके अंदर आएगी और दूसरी तरफ से ठंडी होकर के इसके अंदर से अंदर जाएगी। अलग से आप देख सकते हैं इधर पावर स्टीयरिंग के वगैरह का तेल वगैरह इसमें लगाया गया है, देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस ट्रैक्टर का रहता है। ये आप देख रहे थे मेस्सी 5900।